मतलब जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके पास है कि किस तरह आप अपने लिए परफेक्ट मनी का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास जाहिर सी बात है जब आप ऑनलाइन कोई काम करते हो तो आपको रकम विड्रा करवानी पड़ती है। ठीक है, मुख्तलिफ आपके पास वेबसाइट है या आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कैश के सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि परफेक्ट मनी का अकाउंट आप किस तरह बना सकते हो, उसमें विड्रा किस तरह करवा सकते हो। ठीक हो गया, तो आपके पास इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी लिंक के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ से मैं आ गया हूँ जी वेबसाइट के ऊपर, परफेक्ट मनी अकाउंट के वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे लिखा है जी साइन अप। ठीक है, मैं साइन अप के ऊपर क्या करता हूँ जी क्लिक करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं अब इस तरह एडवर्टाइजमेंट की वेडिंग की नहीं कर रहा हूँ कि मतलब ये क्लिक वगैरह का ऑप्शन आ जाए, सब्सक्राइब करना, ये करना, वो करना। अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में मैं आ गया हूँ। तो हमारे पास परफेक्ट मनी का ये हमारे पास मेन पेज है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे अकाउंटर मतलब अकाउंट नेम आप लिखा ना, अकाउंट नेम का मतलब जिस आदमी का नाम पर अकाउंट बने वो आपने यहाँ पे क्या कर देना, एंटर कर देना। आपने कोई भी नाम मिसाल के तौर पर यहाँ पे एंटर कर दिया, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सुहेल। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे फुल नेम अपना जो आपका नाम होगा मतलब उसी आदमी का या जिसके भी आप नाम से बनाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके नाम से मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुहेल खान या कोई भी, सर आपने एंटर कर दिया। ठीक हो गया जी, यहाँ पर अपनी सिटी लिखते हो जो जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, मिसाल के तौर पर मैं बिलोंग करता हूँ जी लाहौर से। ठीक हो गया जी, ये आपने लिख दिया जी लाहौर, सॉरी। ठीक हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे अपने एड्रेस लिखते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, नियर बाय लाहौर सी या कुछ भी, नियर बाय शान मार या कोई भी, आप जो आपका एड्रेस होगा वो आपने लिख दिया। ठीक हो गया जी, उसके बाद आपके पास यहाँ पे कंट्री आपने क्या करनी है सिलेक्ट करनी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे लिख दो सिंपल पी ए लिखो तो आपके पास पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आप पाकिस्तान में अगर हो, पाकिस्तान में बनाना चाहते हो या पाकिस्तान में क्या रिहाइश हो। ठीक है, किसी दूसरे मुल्क हो तो वहाँ के वो लिख लेना है। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे जिप कोड, जिप कोड मतलब आपके लाहौर का जो भी जिप कोड होगा। अगर आपको जिप कोड नहीं मिले तो आप यहाँ पे सिंपल आप सर्च करते अपने इलाके का, तो इस इलाके का आपके पास जिप कोड आ जाता है। ये सिंपल यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ कि जिप कोड आप लाहौर। ठीक है, सिंपल जिप कोड लाहौर में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे लाहौर के जो जिप कोड होंगे, जो आप जिस इलाके से हो मतलब आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का या जो तहसील होगा उस तहसील का अलग होगा, तो जो आपका जिप कोड बनता है आप वहाँ से कॉपी करके देखिए पास सारे आ गए जिप कोड, तो कोई जो आप इलाके का जिप कोड आपका बनता है उसको आप क्या करोगे जी कॉपी करके वहाँ पे क्या कर देना, आप सिंपल पेस्ट कर देना। मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ जी जिप कोड यहाँ से। ठीक है, आपने कॉपी कर दिया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया अपने इलाके का। आपने जिप कोड यहाँ पे क्या करना है जी एंटर करना है। फिर यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि जोसेफ लारा। ठीक है, मतलब अपना ईमेल यहाँ पे आप लोगों ने दे देना है, जो आपका ईमेल एक्टिव ईमेल, क्योंकि आपको ईमेल के ऊपर मैसेज आएगा जिससे आपने आपने क्या करना है इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब उसमें आपको मेंबर आईडी दी जाएगी, मेंबर आईडी जो आप क्या करोगे यहाँ पे पुट करोगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने gmail.com कर दिया इस तरह मिसाल के तौर पर। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना, अपना फ़ोन नंबर अगर आपका हो कोई एक्टिव नंबर, उसके ऊपर आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको अक्सर मैसेज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये नंबर। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, बिज़नेस के लिए लगाना है, बनाना है ये अकाउंट या पर्सनल, तो मतलब आप पर्सनल इशू कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पासवर्ड लगाते हो, जो भी आपको पासवर्ड आपने लगाना है वो आप यहाँ पे लगा दोगे, और यहाँ पे इसको फिर क्या करना चाहिए, कन्फर्म भी करना है। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है इस तरह इसको कन्फर्म कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हो, ये जो आपको दिए गए कैप्चा ये आप यहाँ पर क्या करोगे जी एंटर करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी 015, ये अक्सर हमारे पास किस में होता है जी इंटीजर में। ठीक है, 015731 और ये 6। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे किस पे क्लिक कर देना जी, आई एग्री के ऊपर, और यहाँ पे आप क्या करोगे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दोगे। जब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म अगर आपने ठीक फिल किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। अगर आप कोई गलती हो यहाँ पर, मतलब ये देखिए मैंने जो पासवर्ड लगाया शायद इसमें मैंने पासवर्ड मैच नहीं करा, तो उसको दोबारा मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे पासवर्ड लगा लेता हूँ, क्योंकि पासवर्ड कोई भी चीज़ अगर आपकी ठीक नहीं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एरर। और दोबारा आपने क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, यहाँ पे लिखा गया जी 490154। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर ये हो जाएगा वेरीफाई। ये ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना वेलकम टू कम्युनिटी ऑफ परफेक्ट मनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ योर अकाउंट इज कम्प्लीटेड। आपकी अकाउंट के क्या हो गया, कम्प्लीट हो गया। परफेक्ट मनी हैज़ सेंट यू एन ईमेल, ये आपको एक ईमेल भेज देता है वेरीफाई करने के लिए। उसमें आपकी क्या होती है जी, मेंबर आईडी होती है। यहाँ पे लिखा है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कि यूअर मेंबर आईडी, यूज़ इट टू लॉग इन द मेंबर एरिया, मतलब आप जब
दोबारा यहाँ पे आओगी जब लॉग इन आप करोगे तो आपको वो फरपेक आईडी सॉरी मेंबर आईडी यहाँ पे लगानी होगी। वी आर ग्लेड टू सी, समझ आ गई जी। सिंपल आप लोगों ने क्या करना, स्टेप करना, आप मतलब अपने जाओगे जी मेल के ऊपर और वहाँ पे आप क्या करोगे, चेक करोगे। मैंने तो वैसे ही आपके पास अर्जी तौर पे एक मेल एंटर किया, आपके पास अपने जो एक्टिव मेल होगा उसके ऊपर आप जाओगे, वहाँ पे आपके पास मेंबर आईडी होगी, उस मेंबर आईडी को आपने वहाँ से क्या करना है जी, कॉपी करना है। और यहाँ पे जब आप क्या करोगे जी, उसको आपने क्या करना है, आप यहाँ से कॉपी करना है ना अपने मेल से, और यहाँ पे आ जाओगे जी लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप शो करेंगे, यहाँ पे ये मेंबर आईडी यहाँ पे आपने क्या करनी, लगानी, ठीक है। यहाँ पे अपने मेंबर आईडी लगानी और यहाँ पे क्या लगा देना अपना पासवर्ड, और यहाँ पे ये कैप्चा फिट करना है, और यहाँ पे अथराइज पे क्लिक कर देना है तो आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं अभी आपको अपने अकाउंट में एनओके आपको चेक करवा, तो बदले मैं अपने अकाउंट ओपन कर चुका हूँ ये, ठीक है। ये देखिए जब आप लॉग इन करोगे तो अभी बस इस तरह आपके पास अकाउंट का जो फरपेक मनी का जो डैशबोर्ड है वो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या शो करता है जी, आपके जो ये आपके पास क्या है जी, आईडी शो कर रहा है, ठीक है। फरपेक मनी का आपका जो वैलेट आईडी ये वाली, ठीक है, ये आपके पास ये शो कर रहा है, ये आपके क्या है जी, आईडी है, ठीक है। और आपका साथ यहाँ पे क्या कर शो कर रहा है जी, बैलेंस, क्या आपका बैलेंस इतना पड़ा, ये किस में शो हो रहा है जी, आपके पास US डॉलर में। तो आप इस तरह अपनी अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी वेबसाइट से अगर आपने अपने इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करवाना है, विड्रा करवाना है, तो आप इस नंबर को कॉपी करोगे इसको, ठीक है, इस नंबर को, इसको आपने क्या करना है जी, कॉपी करना है और वहाँ पे क्या कर देना है, विड्रा जहाँ से करना है वहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, तो आपकी रकम यहाँ पे अकाउंट सॉरी अकाउंट में रकम आ जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे मौजूदा जो बैलेंस है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इससे मैंने क्या किया, विड्रा करवाया हुआ है मेरा, कितना है जी, 0.05 डॉलर। इससे आप फिर विड्रा करवा सकते हैं आपके, अगर पाकिस्तान में हो तो अपने जे एस कैश अकाउंट में, मतलब आप अपनी ईजी पैसा और जे एस कैश अकाउंट में विड्रा करवा सकते हो। तो कैसे, तो आप सबसे पहले किसी भी वेबसाइट से जो आपकी रकम होगी वो परफेक्ट मनी अकाउंट में यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ट्रांसफर करवाना है, विड्रा करवाना है। फिर इससे आप आ जाओगे कहाँ पे जी, जे एस कैश में आपने क्या करना है, विड्रा करवाना है। ये आपके पास जे एस कैश का अकाउंट है, देखिए मैंने इसी से मैंने ये 0.5 जो है ना विड्रा करवाया, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें आपके सामने यहाँ पे, सॉरी ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा है परफेक्ट मनी से मैंने विड्रा करवाया था, ठीक है, कितने जी, 74 रुपीज़, समझ आ गई, 16 डेज पहले। ये क्या है आपकी, इसकी ट्रांजेक्शन आईडी आपको नज़र आ रही। तो फिर दोबारा जब मैंने ये यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया था, फिर इसी से मैंने क्या किया, अपने जी एस कैश अकाउंट के अंदर ये देखिए टोकन आईडी, इसको मैंने 50 रुपये फिर अपने जी एस कैश अकाउंट में इस नंबर पे देके विड्रा करवाए आपके सामने। और ये देखिए मेरे पास मतलब टोटल 74 थे, और ये 50 रुपीज़ मैंने क्या कि विड्रा करवाए, तो 24 मेरा अभी मौजूदा बैलेंस है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसके मुताबिक गाइड करूंगा। तो इस तरह आप अपनी फरपेक अकाउंट का सॉरी फरपेक मनी का अकाउंट बना सकते हो, उसमें किसी भी वेबसाइट से मनी विड्रा करवा कर अपने कैश जो हमारे पास है कैश माल का अकाउंट, उसमें विड्रा करवा के फिर आप अपने जेज अकाउंट में या ईजी पैसे में विड्रा करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में लिंक मौजूद है, इसमें मैंने क्या किया जी, एक वेबसाइट से कैप्चा का एक वेबसाइट से जिसमें मैंने रकम विड्रा करवाई जी फरपेक मनी के अकाउंट में, वो मौजूद वीडियो मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।